थ्योरीज ऑफ़ इवोल्यूशन में आज हम पढ़ेंगे डार्विनिज्म या जिसे मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन के नाम से भी जाना जाता है ये थ्योरी डारविन वाद यानी डार्विन के जो नेचुरल सेलेक्शन वाली थ्योरी थी और ह्यूगो डेवेरीज की जो म्यूटेशन थ्योरी थी इन दोनों थ्योरी में जो कमियाँ थी इन दोनों कमियों को दूर किया गया और दोनों थ्योरीज को आपस में मिला लिया गया और मिलाने के बाद एक संशोधित रूप बना जिसे आज हम मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन के नाम से जानते हैं इस थ्योरी को सिंथेटिक थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन के नाम से भी जाना जाता है और आज के वक्त में ये मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी है यह सिद्धांत कई वैज्ञानिकों के काम का परिणाम है जैसे कि डोबान फिशर हॉलडेन मेयर स्टेबिंस और इसमें अगर हम नाम लें तो राइट ऐसे और भी नाम आते हैं इन लोगों ने काम किया और डारबिन वाद पे और म्यूटेशन थ्योरी पे और उनकी कमियों को दूर किया और कमियों को दूर करने के बाद एक थ्योरी दी और ये थ्योरी आज मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी के रूप में जानी जाती है इसको सबसे पहले जो था स्टेबिन्स ने अपनी बुक में डिस्कस किया इस थ्योरी को और उनकी बुक का नाम था प्रोसेस ऑफ प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन उसके बाद इस थ्योरी को डोबांजेंकी ने एक्सप्लेन किया और अपनी एक किताब में और उनकी किताब का नाम था जेनेटिक्स एंड द ओरिजिन ऑफ द स्पीसीज हम इसको जेनेटिक्स एंड द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज इस बुक में इन्होंने इसको एक्सप्लेन किया था अब इस थ्योरी के जो मेन मेन पॉइंट हैं उसकी अगर हम बात करें तो मेन पॉइंट जिस पे ये थ्योरी आधारित है उसमें पहला पॉइंट आता है जीन वेरिएबिलिटी दूसरा पॉइंट इसमें आता है नेचुरल सिलेक्शन थर्ड पॉइंट इसमें आता है रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन पॉइंट इसमें आता है माइग्रेशन एंड लास्ट पॉइंट इसमें आता है नॉन रैंडम मैटिंग अब इसको वन बाय वन हम सारे पॉइंट को इसमें डिस्कस करते हैं अब इसमें हम पहले पार्ट की बात करते हैं जीन वेरिएबिलिटी जीन वेरिएबिलिटी में भी पहले पार्ट की बात करते हैं पहला पार्ट आता है म्यूटेशन म्यूटेशन दो टाइप का पहला क्रोमोजोमल म्यूटेशन दूसरा जेनेटिक म्यूटेशन अब क्रोमोजोमल म्यूटेशन में अगर हम बात करें तो क्रोमोजोमल म्यूटेशन में भी दो टाइप का म्यूटेशन या तो क्रोमोजोम के स्ट्रक्चर में चेंज हो या तो क्रोमोजोम के नंबर में चेंज हो क्रोमोजोम के स्ट्रक्चर में चेंज हो यानी मार्फोलॉजिकल चेंजेस जो होते हैं उसमें यह हो सकता है कि एडिशन हो सकता है डिलीशन हो सकता है डुप्लीकेशन हो सकता है ट्रांसलोकेशन हो सकता है या इन्वर्जन हो सकता है एडिशन जब कोई पार्ट क्रोमोजोम का जुड़ जाए एक्स्ट्रा कोई पार्ट जुड़ जाए वो एडिशन उसकी वजह से भी स्ट्रक्चर चेंज हो सकता है क्रोमोजोम का कोई पार्ट डिलीट हो जाए क्रोमोजोम से डिलीशन हो सकता है डुप्लीकेट कोई पार्ट की दो कॉपी बन जाए यानी डुप्लीकेशन हो जाए तीसरा ट्रांसलोकेशन कोई पार्ट चेंज हो जाए इधर से उधर उधर से इधर हो जाए ट्रांसलोकेशन और इन्वर्जन में क्या होता है जब कोई पार्ट टूट के जैसे ये कोई पार्ट है क्रोमोजोम का ये टूट के 180 डिग्री घूम रोटेट करके ऐसे आके फिर उसी जगह सेट हो जाए वो इन्वर्जन कहलाता है इसी तरीके से क्रोमोजोम के नंबर में चेंजेस होते हैं अब ये चेंजेस दो टाइप के हो सकते हैं पहला अनोप्लॉयडी दूसरा पॉली एनुप्लॉयडी में क्या होता है कि क्रोमोजोम के नंबर में अगर घट रहा है या बढ़ रहा है तो अगर प्लस की अगर हम बात करें तो प्लस वन अगर होगा तो ट्राइसोमी कहलाता है और प्लस टू तो टेट्रासोमी इसी तरीके से अगर घट रहा है तो माइनस वन अगर कोई एक जा रहा है तो वो मोनोसोमी कहलाता है और अगर दोनों चले जा रहे हैं तो वो नलीसोमी कहलाता है यूप्लॉयडी में क्या होता है पूरा सेट चेंज हो जाए पूरा सेट का मतलब अगर एन है तो हैप्लॉइड डबल एन हो जाए यानी टू एन हो जाए तो डीप्लॉइड, ट्राइप्लॉइड, टेट्राप्लॉइड इसी तरीके से फिर पॉलीप्लॉइड। ये बेसिकली म्यूटेशन का जो ये कॉन्सेप्ट है ये आगे नेक्स्ट किसी लेक्चर में जब जेनेटिक्स डिस्कस होगी तो वहाँ अच्छे से इसको डिस्कस किया जाएगा अभी इवोल्यूशन में बस ये समझना है कि कैसे म्यूटेशन क्या है फिर आता है जेनेटिक म्यूटेशन जेनेटिक म्यूटेशन जब नाइट्रोजनस बेस में चेंजेज आ जाए जा वो जेनेटिक यानी जीन में चेंजेस आ जाए जीन की किसी नाइट्रोजनस बेस में जब चेंजेस आ जाए वो कहलाते हैं पॉइंट म्यूटेशन कोई भी नाइट्रोजनस बेस ऐड हो सकता है किसी जीन में या किसी जीन से वो डिलीट हो सकता है तो जब वो ऐड हो रहा है या जब वो डिलीट हो रहा है तो वो फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन कहलाता है वहाँ पढ़ेंगे ट्रिपलेट कोडाउन वगैरह तब वहाँ सब ज़्यादा क्लियर होगा कि फ्रेमशिप म्यूटेशन कैसे होता है और अगर कोई भी नाइट्रोजनस बेस को रिप्लेस करके दूसरा नाइट्रोजनस बेस वहाँ पे ऐड हो जाए तो उससे भी जो कोडाउन होते हैं वो चेंज हो जाते हैं वो सब्सटिट्यूशन म्यूटेशन कहलाता है जेनेटिक वेरिएबिलिटी में जो दूसरा पॉइंट आता है वो है रिकॉम्बिनेशन रिकॉम्बिनेशन किसी भी सेल में जिसमें मियोसिस हो रही है मियोसिस के दौरान ही क्रॉसिंग ओवर जब होता है तो क्रॉसिंग ओवर से नए नए रिकॉम्बिनेंट सेल का फॉर्मेशन होता है या यूं कह लें रिकॉम्बिनेंट सेल इन द मीन्स कि उनके जो जेनेटिक मटेरियल हैं वो एक्सचेंज होते हैं और जिससे जीन वेरिएबिलिटी होती है तीसरा पॉइंट इसमें आता है हाइब्रिडाइजेशन हाइब्रिडाइजेशन किसी भी इस्पीसीज के दो वैराइटीज़ और वो दोनों जो जेनेटिकली अलग अलग वैरायटी हों वो दोनों अगर आपस में क्रॉस करती हैं तो क्रॉस करने के बाद जो हमें ऑफ स्प्रिंग मिलती है वो हाइब्रिड मिलती है और ये प्रोसेस जो कहलाती है वो हाइब्रिडाइजेशन कहलाती है तो हाइब्रिडाइजेशन की वजह से भी जेनेटिक इंफॉर्मेशन में चेंजेज आते हैं यानी जीन वेरिएबलिटी होती है इसमें लास्ट पॉइंट आता है जेंटिक ड्रिफ्ट या सीवाल राइट इफ़ेक्ट जेंटिक ड्रिफ्ट क्या है जेंटिक ड्रिफ्ट को ऐसे हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कि चेंज इन द फ्रीक्वेंसी ऑफ जीन इन जीन पुल इज नोन एज जेनटिक ड्रिफ्ट अब इसमें दो टाइप के इफेक्ट आते हैं पहला है फाउंडर इफेक्ट दूसरा है बॉटल नेगे इफेक्ट फाउंडर इफेक्ट को ऐसे समझ सकते हैं कि किसी भी कोई भी एक पापुलेशन हो और वो पॉपुलेशन में से कुछ लोग अगर दूसरी जगह जाके वो सेटल हो जाएं मतलब नए नए जगह जाके सेटल हो जाएं तो जो उनकी जीनोटिपिक फ्रीक्वेंसी है वो उनके पेरेंट्स के जीनोटिपिक फ्रीक्वेंसी से अलग हो जाती है और ये कहलाती है फाउंडर इफेक्ट बॉटल इफेक्ट वो है कि किसी भी नेचुरल कैलेमिटीज़ की वजह से किसी एक पॉपुलेशन के बहुत सारे लोग मर जाएं, उनकी डेथ हो जाए तो जो बचे हुए लोग होते हैं उनकी जो जेनेटिक फ्रीक्वेंसी है या वो कम हो जाती है और हो सकता है कि जो लोग मरे हैं उसमें कोई स्पेशल ट्रेट खत्म हो गई हो और जो सरवाइव कर रहे हैं उनकी वजह से हो सकता है कि कोई नई स्पीसीज़ का फॉर्मेशन हो जाए और ये प्रोसेस कहलाते यानी ये ये इफेक्ट कहलाता है बॉटल नेक इफेक्ट अब इसमें हम बात करते हैं जीन वेरिएबिलिटी के बाद दूसरे पॉइंट की नेचुरल सेलेक्शन यानी प्राकृतिक चयन अगर हम प्राकृतिक चयन की बात करें तो नेचुरल सेलेक्शन की वजह से पीढ़ी दर पीढ़ी अच्छे लक्षणों का विकास होता है और अच्छी जीन ट्रांसफ़र होती है और जो कम अच्छे लक्षण हैं या हानिकारक लक्षण होते हैं वो किसी भी एक पॉपुलेशन से धीरे धीरे वो एलिमिनेट होते जाते हैं और बेहतर से बेहतरीन ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होता है यानी इवोल्यूशन होता है इसमें थर्ड आता है माइग्रेशन माइग्रेशन यानी देशांतर देशांतरर. किसी भी एक आबादी में जब कोई बाहर से आके मिलता है तो वो अप्रवासी कहलाता है यानी वो इमिग्रेंट्स कहलाता है और जब किसी आबादी से कोई छोड़ के उस आबादी को दूसरी जगह चला जाता है तो वो उत्प्रवासी कहलाता है यानी इमिग्रेंट्स कहलाता है वो तो जो प्रवासी बाहर से किसी आबादी में आते हैं वो उस आबादी में उस जीन की फ्रीक्वेंसी को बढ़ा देते हैं क्योंकि वो बाहर से आए हुए होते हैं और अगर इस आबादी में वो मिल जाते हैं और मैटिंग करते हैं तो जाए जीन की फ्रीक्वेंसी बढ़ती है लेकिन जब कोई इमिग्रेंट्स हो जाता है यानी किसी आबादी को छोड़ चला जाता है तो वो पर्टिकुलर उस आबादी की फ्रीक्वेंसी जीन फ्रीक्वेंसी को घटा देता है इसमें नेक्स्ट आता है रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन एक बायोलॉजिकल फेनामिना है जिसकी वजह से कोई भी स्पीसीज वो इंटरब्रीड नहीं कर सकती है यानी दूसरी स्पीसीज़ के साथ वो ब्रीडिंग नहीं कर सकती है वो सेम स्पीसीज़ में ही वो ब्रीड करके अपनी जनरेशन को कंटिन्यू कर सकती है लेकिन वो दूसरी किसी स्पीसीज़ के साथ ब्रीड नहीं कर सकती है और अगर वो इनकेस ब्रीड करती भी है तो जो ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस होती है वो स्टेराइल ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस होती है अगर हम कुछ एग्जाम्पल कुछ एक्सेप्शन को छोड़ दिए तो तो ये भी एक तरीका है जिसकी वजह से स्पीसी नई स्पीसीज़ इवॉल्व होती हैं और जो जीन है किसी भी स्पीसीज़ की जो पर्टिकुलर कैरेक्टर है वो मेंटेन रहता है अगर हम इसमें बात करें नेक्स्ट पॉइंट की तो वो है नॉन रैंडम मैटिंग नॉन रैंडम मैटिंग सबसे ज्यादा कॉमन है प्लांट में प्लांट खुद कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो सेल्फ पॉलीनेट होते हैं जिनके अंदर सेल्फ पॉलिनेशन होता है और सेल्फ पोलिनेशन की वजह से वो होमोजाइगस होते हैं और उनकी जो ऑफ ऑफस्प्रिंग स्प्रिंग प्रोड्यूस होती है वो होमोजाइगस ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस होती है और इस होमोजाइगस ऑफ स्प्रिंग की वजह से जीन में कोई बदलाव नहीं आता है और अगर ये होमोजाइगस जीन फ्रीक्वेंसी किसी भी पॉपुलेशन में बढ़ती चली जाए और हेट्रोजाइगस जीन फ्रीक्वेंसी घटती चली जाए तो हार्डी मीनबर्ग जो प्रिंसिपल है वो संतुलित नहीं रह पाता है तो ये कुछ पॉइंट थे मॉडर्न थ्योरी के जिनके बेस पे डिस्कस किया गया कि कैसे इवोल्यूशन हुआ